हम सब लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। आई नो पढ़ाई इरिटेटिंग होती है, कौन कहता है यार कौन किताब पढ़ेगा, बोर होते हैं, यू नो इट्स जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग, बट पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं। तो आज की टॉपिक है सबसे अच्छे तरीके पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। चेक इट आउट। पॉइंट नंबर वन, स्टडी अ लिटिल एवरी डे। देखिए आप लास्ट डे के लिए सब कुछ छोड़ेंगे, आपको पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, तो रोज थोड़ा पढ़िए, एवरी डे एक घंटा दो घंटा पढ़ेंगे ना तो बाद में इतना प्रेशर आप पर नहीं आएगा। तो स्टडी अ लिटिल एवरी डे एंड यू विल बी सॉर्टेड, आप सॉर्टेड होंगे। पॉइंट नंबर टू, क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट। खामोशी रहना पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी होता है। ओके फाइन, आई एग्री, कभी कभी घर पे खामोशी आपको नहीं मिलती है, आपको वो प्राइवेसी नहीं मिलती है, तो कोई लाइब्रेरी जाइए, कोई पार्क जाइए, कहीं भी जाइए जहाँ आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर थ्री, रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट योर गोल्स। आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? आप ये बनना चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी बनना चाहते हैं, आप अपने आप को याद दिलाइए आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों इतनी पढ़ाई कर रहे हैं और क्यों पढ़ाई करना इतना ज़रूरी है। आप अपने आप को याद दिलाएंगे, अपने आप फोकस और डेडिकेटेड हो जाएंगे। पॉइंट नंबर फोर, कीप चेंजिंग सब्जेक्ट्स। यस आई एग्री, आप एक ही टॉपिक कर रहे हैं आप बोर हो जाएंगे, तो टॉपिक चेंज करिए, कभी केमिस्ट्री, कभी इंग्लिश, कभी फिजिक्स, कभी मैथ्स, चेंज करते रहिए, यू नो, तो आप बोर नहीं होंगे, अब थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा एक्साइटिंग होगा। ओके आई डोंट नो अगर पढ़ाई एक्साइटिंग कभी भी हो सकती है, पर थोड़ा डिफरेंट होगा। तो कीप चेंजिंग टॉपिक्स, दिस इज अ वेरी गुड वे। पॉइंट नंबर फाइव, गेट गुड स्लीप। आपकी नींद पूरी होगी तो आप फ्रेश होंगे, आप में एनर्जी होगी आपके दिमाग में अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, तो गेटिंग गुड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर सिक्स, फूड एंड वाटर, पानी और खाना। बॉडी को खाना और पानी की बहुत ज़रूरत है, आप वो उसे प्रोवाइड करेंगे, उसमें ताकत रहेगी, एनर्जी रहेगी पढ़ाई करने के लिए। तो पानी पिए अच्छे से, 3 से 4 लीटर दिन का, ठीक से खाना खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, तो आपके बॉडी और दिमाग को वो एनर्जी मिलेगी अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। लास्ट पॉइंट नंबर सेवन, स्टडी अ लिटिल इवन इफ यू आर नॉट इन द मूड। देखिए मूड तो कभी नहीं होगा, आपको हमेशा लगेगा यार किसे मूड है पढ़ाई करने का, नहीं करते, नहीं, जैसा भी मूड है थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए। आप थोड़ा करेंगे ना, फिर आप सोचेंगे चलो थोड़ा और कर लेते हैं। तो स्टडी इवन इफ यू आर नॉट इन द मूड, और आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई खत्म कर पाएंगे। ओके गाइज एंड गर्ल्स, तो ये थी आज की टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसी कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं मैं बात करूं, तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करिए और मुझे जरूर बताइए, और जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करिए ताकि नेक्स्ट टाइम मेरा कोई भी वीडियो आए आपको उसके बारे में अलर्ट्स मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई लव यू।